मीडिया के सब लोग इजी हैं, शुरू करें। मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पधारे हुए तमाम मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे तमाम यहां पर नेता, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी धीरज गुर्जर जी, विधायक हरिमोहन शर्मा जी, विधायक अशोक चांदना जी, विधायक सीएल प्रेमी जी, विधायक चेतन पटेल जी, विधायक विकास चौधरी जी, विधायक जाकिर हुसैन साहब, राखी गौतम हमारे प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष कोटा शहर रविंद्र त्यागी जी, जिला अध्यक्ष कोटा भानु प्रताप सिंह जी, महेंद्र राजौरिया जी, इन तमाम की उपस्थिति में हमारे परिवार में एक बहुत ही जुझारू, बहुत ही दमदार व्यक्तित्व के धनी श्री पहलाज गुंजल जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पहलाज गुंजल जी, पहलाज गुंजल जी दो बार विधायक रहे हैं, 5 दिसंबर 2003 में 12वीं राजस्थान विधानसभा में राजगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य हुए हैं, 2005-5 में याचिका समिति के सदस्य भी रहे, 2013 से 18 जब माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री 8 से 13 में थे और 13 से 18 जब हम विपक्ष में थे तो प्रहलाद गुंजल जी हमारे साथ में विधायक थे कोटा उत्तर से। ये पहले भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से लेकर के और कोटा जिला अध्यक्ष, कोटा संभाग प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के जिला कोटा देहात के महामंत्री, कोटा देहात के 2 बार जिला अध्यक्ष और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। आज की वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप चल रही है, जो किसानों की उपेक्षा हो रही है और जिस प्रकार से कुछ ही लोगों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है वो केंद्रित हो गई है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, अच्छे अच्छे नेताओं की कोई सुनने वाला नहीं है, जो जनाधार रखने वाले व्यक्ति हैं उनको क्रेज किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। ऐसे में प्रहलाद गुंजल जी जो कोटा संभाग के ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में अपनी पहचान रखते हैं, दमदार नेता हैं, उन्होंने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी में जन नेताओं की जरूरत नहीं है, चापलूसों की जरूरत है, दन्ना सेठों की जरूरत है, आम व्यक्ति की सुनने वाला भारतीय जनता पार्टी में रह करके कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमने माननीय अशोक गहलोत साहब, माननीय सचिन पायलट जी, माननीय वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी, हमारे तमाम जो उपस्थित जिलाध्यक्ष और सामान्य नेता हैं वो प्रदेश के तमाम नेताओं से विचार विमर्श करके, चर्चा करके हमने प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को हमारे प्रभारी रंधावा साहब के माध्यम से भेजा। कल हमारे इस प्रस्ताव को अनुमति मिली और आज चूंकि हम सब यहाँ उपस्थित हैं, धीरज गुर्जर जी, अशोक चांदना जी और तमाम लोग हमारे संगठन के कांग्रेस के लोग भी उपस्थित हैं, सचिन पायलट जी आज आने वाले थे लेकिन वो
अपने छत्तीसगढ़ के दौरे पे आज उनको जाना था, इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन हमारी सबसे चर्चा होके आम सहमति बन करके और प्रहलाद गुंजल जी को हजारों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी के परिवार में शामिल करने का निर्णय लिया। अब मैं समझता हूं कि ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके इनके ज्वाइनिंग के बाद में हम लोग, हमारे कुछ साथी हैं जो कांग्रेस पार्टी के लंबे समय से साथ में रहे हैं, सुनील परिहार जी, नरेश मीणा जी और फतेह मोहम्मद, इनके लिए भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इनकी प्रार्थना के ऊपर गौर करके इन्होंने पार्टी में वापस अपनी सेवाएं देने की इच्छा जाहिर की और अपनी भूल सुधार की है कि हमने चुनाव लड़ा, हमसे गलती हुई, लेकिन हम लोग परिवार में रहना चाहते हैं। तो इनको भी वापस आज हम कांग्रेस में, इनकी जो सदस्यता थी हमारी अनुशासन समिति के चेयरमैन उदयलाल आंजना जी से, माननीय सदस्यों से हमने प्रस्ताव भिजवाया था, उनका अनुमोदन प्राप्त होके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और अनुशासन समिति के प्रस्ताव को हमारे AICC से मंजूरी मिल चुकी है। तो हम इनकी सदस्यता को समाप्त, जो निष्कासन था उसको वापिस लेने का निर्णय हम करते हैं। लेकिन आज पहले हम हमारे बहुत ही शानदार और जानदार और किसान नेता प्रहलाद गुंजल जी का हम सब की ओर से स्वागत। मैं चाहूंगा, मैं ठीक है अभी हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि माननीय अशोक गहलोत साहब दो शब्द कहेंगे, उसके बाद में हम प्रहलाद गुंजल जी को सुनेंगे और उसके बाद में हम जो हमारी सदस्यता ग्रहण कराने की रस्म है उसको हम पूरा करेंगे।